विराट के बघेली समाचार में हम स्वाति अपना पंचन के स्वागत करी थे। शुरुआत करी थे रीवा जिला से। ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन के काम तेजी पकड़े हैं, लेकिन यहां अधिग्रहित कीन गए जमीन और कीन गए वादन के पूर्ण न होए के चलते किसान लंबे समय से लड़ाई लड़त लाग हैं। किसान नेता सुब्रत मणि किसान साथीन के साथ लगातार जहां रेल विभाग में पत्राचार करत रहे, वहीं यह क्षेत्र में आबे वाले अधिकारियों के घेराव और ज्ञापन देत रहे। यही के परिणाम रहा कि कुछ समय बाद रेलवे वेबसाइट में यह जानकारी दीन गई कि किसान के परिवार में जिनका नौकरी नहीं मिली आए उनका जल्दी नौकरी दीन जाए। तब किसान राहत के सांस लेन, लेकिन नियम बदले की जानकारी दिए के बाद एक बेफेर से नौकरी दे की कार्यवाही अधर में लटकी रह गए। अपना पंचन का सुनाई थे पूर्व मामला के साथ साथ सदन में उठाए गए मुद्दन का लेके किसान नेता सुब्रत मणि का कहल्ला है। सिंगरौली रेल लाइन में जो किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी और नौकरी रोजगार नहीं मिल पा रहा था, उसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। अभी हाल में लोकसभा में 3 सांसदों ने बात उठाई है, क्या मानते हैं कि किस मुकाम तक अभी वे पहुंचेगा है और कैसे न्याय मिल पाएगा? हम आपके चैनल के माध्यम से, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जनहित के मुद्दे आप उठाते रहते हैं और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी ने बहुत ही बखूबी इसको उठाया है और खासकर आपने तो हमेशा रेलवे के मुद्दे में किसानों की बात को आगे तक पहुंचाया है। और हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय सांसद श्री गणेश सिंह जी, सांसद सतना, माननीय सांसद श्रीमती रीति पाठक जी, सांसद सीधी, माननीय श्री जनार्दन मिश्रा जी, सांसद रीवा, सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लगातार मान लीजिए किसान परेशान थे, आपको यह जानकारी है ही सभी को कि 1984 में रीवा सतना रेल लाइन के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी। और आप सोच सकते हैं 1984 से लगातार जितने रेल मंत्री हुए, माननीय जितने रेल मंत्रियों से लेकर सांसद, विधायक, सभी को ज्ञापन देते रहे, सिर्फ आश्वासन मिले। इन आश्वासनों से हम लोग सबक सीख के, हमें जब ये पता चला कि रीवा ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन की आधारशिला रखी जा रही है, तभी से मान लीजिए 2008 से लगातार ज्ञापन देते रहे हैं। और भूमि का अधिग्रहण हुआ 2010 में, रेलवे ने आदेश पारित किया कि जिन किसानों के बच्चों की रोजगार माने जमीनें गई हैं उनको रोजगार दिया गया जाएगा। रेलवे समय समय पर अपने नियम बदलते रहे, हमें ये लगता है कि नियम तो संसद में बनते हैं, लेकिन रेलवे अपने अनुसार नियम बना के किसानों को गुमराह करते रहे। रेलवे, आप सोच सकते हैं कि 15 से 16 हमारे माननीय विधायक हैं ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन, साया सीधी, सतना, सिंगरौली, सतना, पन्ना से सबको ज्ञापन भेजा गया। और महाप्रबंधक जी पुनः अभी सतना आए थे, उनका अभी हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया, उनसे अनुरोध किया कि किसानों की बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। अभी माननीय संसद, हमारे यहाँ के संसद ने सदन में ये बात रखी, क्योंकि किसान लगातार ज्ञापन देकर मांग करते रहे अपने माननीय संसदों से कि सदन में ये बात रखें, और माननीय संसदों ने हमारी बात सदन में रखी। सबसे पहले माननीय गणेश सिंह जी ने, उसके बाद माननीय श्री रीति पाठक जी ने, और हमारे आप माननीय जनार्दन मिश्रा जी ने सदन में बात रखी किसानों की। आप सोचिए, जिन किसानों की जमीनें गई हैं, भूमि जिनका अधिग्रहण हुआ है, वो किसान ही दर्द जानते हैं। आप सोच सकते हैं उनके भूमि का अधिग्रहण हो और उन्हें रोजगार न मिले, ये कहाँ का न्याय है? हमारे माननीय जनों ने सदन में रखा है। हम आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी माननीय जनों से एवं सतना खजुराहो लोकसभा सांसद माननीय श्री वी डी शर्मा जी से भी मांग करते हैं कि आप प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और किसानों की बात रखिए। किसानों ने जमीनें किसानों ने अपनी दी हैं, रेल चलेगी ही, लेकिन किसानों के बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। कहा जाता है 2019 तक, तो हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय केंद्र मंत्री, माननीय केंद्रीय रेल मंत्री जी और माननीय महाप्रबंधक जी से मांग करते हैं कि ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन का जब से शिलान्यास हुआ है उसके बाद भू अधिग्रहण आज तक चल रहा है, उसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। 2019 का कोई नियम न लगाइए। रीवा सीधी सिंगरौली और सतना पन्ना रेल लाइन से विस्थापित किसान परिवार के बच्चों को, साथ ही सतना रीवा लिंक के योजना से प्रभावित, दोहरीकरण से प्रभावित सभी बच्चों को रोजगार दीजिए। हम अपने माननीय सांसदों से पुनः आग्रह करते हैं कि जितने जगह से ट्रेन की लाइनियां पटरियां गुजरी हैं उन गांवों में एक कैंप लगवाइए। कैंप लगवाएंगे तो सामने आ जाएगा, बहुत सारे किसान हैं जिनके आपसी बटनवारा के और उनके प्रकरण लंबित है, कुछ के उम्र अंडर एज होने के कारण भी उनके प्रकरण लंबित है। तो हर गांव में जहां से भी भूमि अधिग्रहण किया गया है ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन के लिए, सतना पन्ना सीधी और सिंगरौली,
सब जगह कैंप गांव में लग जाएंगे तो बस तो इसकी सामने आ सवाल तो उठाए गए, जवाब क्या मिला है, रेल मंत्री ने क्या जवाब दिया है? अभी रेल मंत्री का जवाब तो सदन में हमने सुना नहीं है और पता भी नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हम सब किसानों को कम से कम इतनी खुशी तो जरूर है कि सत्ता पक्ष में रहते हुए हमारे जनप्रतिनिधियों ने आवाज उठाई है और हम उनसे विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि आवाज ही नहीं, किसानों को रोजगार दिलवाएं। और विपक्ष से भी बात करना चाहते हैं कि हमारे विंध्य रीजन में आप सोचिए, रीवा, सीधी, सिगरौली, सतना, पन्ना, एक एक से दिग्गज हमारे विपक्ष के नेता हैं, आखिर किसानों की बात क्यों नहीं रखते? आम आदमी पार्टी से सुधीर साहू के नेतृत्व में किसान आवारा पशु के रोकथाम धान खरीदी केंद्रन में किसानन से अवैध वसूली हो रही। सहकारी समिति में किसानन का सही समय में खाद नहीं मिल पावे जिससे उनकर बुवाई लेट हो जाती। यह सब के विरोध में आम आदमी पार्टी के कई से मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार का ज्ञापन सौंपा गया है और यह मांग की गई कि जल्द से जल्द किसानन के समस्यान के निराकरण की जाए, नहीं तो आम आदमी पार्टी कई से आवे वाले समय में विशाल आंदोलन की जाए। भ्रष्टाचार का एक ही कौन केजरीवाल, केजरीवाल भ्रष्टाचार का एक ही कौन केजरीवाल, केजरीवाल भ्रष्टाचार का एक ही कौन केजरीवाल, केजरीवाल। आज हम सब आम आदमी पार्टी देवतला इकाई के लोग आज हम अपने किसान भाइयों के लिए, खासकर हमारे जिले ही नहीं पूरे प्रदेश की, आज आवारा पशु बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं। कई जगह स्थिति ये है कि आवारा पशुओं के कारण किसान भाइयों ने हमारी खेती करना बंद कर दिया है, तो प्रशासन से हमारी मांग है कि या तो उन आवारा पशुओं को छोड़ने वाले के ऊपर या तो जुर्माना लगाया जाए या उनके लिए उचित व्यवस्था की जाए, गौशालाएँ बना के, या फिर कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया था कि जिनके पास भी आवारा पशु देसी माल हैं उनको 800 रुपये महीने दिया जाएगा, या तो उस घोषणा को अमल में लाया जाए तो लोग अपने पशुओं को घर में बांधना बंद चालू कर देंगे। हमारी दूसरी मांग है कि वर्तमान जो धान खरीदी केंद्र है वहाँ बहुत ही ज़्यादा भरेसाही हो रही है, लोग 40 किलो के बोरी में 1 किलो एक्स्ट्रा तो ले रहे हैं, साथ ही 8 रुपये पर क्विंटल पल्लेदार वहाँ पे उसको तौलने के नाम पे ले रहे हैं। तो प्रशासन से हमारी सम्मानित तहसीलदार महोदय से मांग है कि ऐसे धान केंद्रों पर जाँच करके दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, साथ ही जो सोसाइटियां हैं जहां आज खादें आती हैं वह किसान भाइयों को समय में खाद उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिससे कि कहीं ना कहीं बोनी लेट होती है, हमारी खेती लेट हो जाती है। इसलिए मेरा ये भी निवेदन है कि समय पे हमारे किसान भाइयों को खाद बीज उपलब्ध करा दिया जाए जिससे कि खेती उनकी लेट ना हो। इन्हीं सब मुद्दों के लेके हमारी आम आदमी पार्टी, हमारे प्रभारी श्रीकांत पांडे जी, रमेश कुशवाहा जी, हमारे रंजन गुप्ता जी, वरुण अम्बेडकर जी, राम सिया जी और सभी सम्मानित हमारे जितने भी साथी हैं, तो तहसीलदार साहब पास सम्मानित मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन लेके आए थे और हम आशा करते हैं कि हमारी ये मांगे जल्दी ही पूरी हो, और नहीं पूरी होती है तो भविष्य में बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या शुभ नाम लिखते हैं? सुधीर साहू। श्याम साह मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1963 में की गई रही ही। यहां से मेडिसिन विभाग के पहली पीजी बैच 1971 में पास आउट भर रहा है। कॉलेज की स्थापना के 50 वर्ष 2013 में पूर्ण हो चुके हैं। गोल्डन जुबली कार्यक्रम बड़े धूमधाम के साथ मनावा जा रहा है। बताए दें कि 2020 और 21 में कोविड संकट होने के कारण कोई प्रकार के कार्यक्रमन के आयोजन नहीं भर रहा है। अब जब यह संकट से मुक्ति मिली तो श्याम साह मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के 50 साल पूर्ण होए में स्मृति उत्सव कार्यक्रम के आयोजन कीन गा है, जौने मा सैकड़न के संख्या में पूरा छात्र जौन की देश प्रदेश के साथ विदेशन में आपन सेवा देत लागे शामिल होए पहुंचे हैं और आपन पुरान यादन का ताजा करत लागे और एक दूसरे से अपन अनुभव बांटत लागे। और ऐसे हमारे मंडी महाराज सुनते हैं, ऐसे शासन सुना रहा हूँ, वो तो ऊपर लेक्चर चल रहा है, बहुत बहुत भाषा चाहता हूँ मुनि बहनों के। मैंने उसको समझाया कि तुमको ऐसे काम नहीं करना था, तुम ऐसे कर जाओ, सूर्य होटल में रुका है वो इंजीनियर, और पेपर लेके आओ और दूसरा कागज इन ऑफिस। पर आपको बहुत नुकसान होता है जो जब आप अपन रुकाएं से और सच्चा के देखें कि मैं ये वो जितना भी होता है तो पूरे इससे समाज में पड़ा तो नुकसान किसका हुआ, लड़के में नाटा चैम्बर भी होता कर दिया। खबर रीवा जिला से ही, जहां पुलिस नए नए संसाधन के साथ सुसज्जित होत रही।
शनिवार का कंट्रोल रूम में एक ठे नई टेक्नोलॉजी से सुसज्जित ड्रोन के परीक्षण की गया है। बताए दे कि ड्रोन के उपयोग पुलिस के द्वारा बलवा जुलूस के साथ साथ जाम वाले स्थानन पर नजर रखे के खातिर कीन जात लाग है। बताए दे कि ड्रोन के जांच पड़ताल पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, एडिशनल SP अनिल सोनकर, CSP के मौजूदगी में कीन गया है। आई अपना पंचन का सुनाई थे ड्रोन के उपयोग और तैयारी कर लय के पुलिस अधीक्षक का जानकारी दी नहीं। जिस प्रकार किया जा रहा है उसी क्रम में ड्रोन का उपयोग लगातार हम लोग विभिन्न जुलूस में, विभिन्न धरना प्रदर्शन में, ट्रैफिक मैनेजमेंट में करना प्रारंभ कर रहे हैं। उसी क्रम में जैसा कि आपने देखा आज इसका यहां पर डेमो और ट्रेनिंग रखी गई थी। इस क्रम में जो ये एडवांस ड्रोन हमको प्राप्त हुआ है जिले के लिए, इसका हम लोगों ने आज पूरा सेशन एक देखा। इसको विभिन्न समय पर हम लोग कोई जुलूस की तैयारी के दौरान, जुलूस के दौरान, कोई कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान भी प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ हमने कुछ ऐसे पॉइंट भी छांटने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पर ट्रैफिक कंडीशन होता है, तो ये हमको आइडिया दे सकता है कि वहाँ पर हम लोगों को वहाँ पे अधिक फोर्स भेजना है या वहाँ पर फोर्स की आवश्यकता नहीं है। दोनों चीज़ें हम इससे डिसाइड कर सकते हैं। तो उस प्रकार से टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हम लोग और अधिक बेहतर पुलिसिंग देने का प्रयास कर रहे हैं। सर, इस गैजेट में कितनी रेंज है इसकी और कितनी क्या कैसे नई चीज़ें हैं? ये लगभग 5 किलोमीटर के आसपास का एरिया कवर कर सकता है और लगभग 500 मीटर तक ऊपर जा सकता है। अभी जो लोग इसकी ट्रेनिंग करके आए हैं वो इसका और बाकी लोगों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो भी इसमें एडिशन होगा और जानकारियां भी मिलेंगी वो भी हम लोग उसको अपडेट करेंगे। कितने लोगों की टीम रहेगी सर? अभी तक हम लोगों ने इसमें 4 लोग अपने चिन्हित कर लिए जो लगातार इसको ट्रेनिंग देने में अपना टाइम दे रहे हैं और हम प्रयास करेंगे कि हमारी और भी टीम तैयार हो, इससे कि हमारे पास अच्छी एक स्किल टीम तैयार है जो आवश्यकता पड़ने पर तुरंत इसका उपयोग करना शुरू करते हैं। सर, शहर में जो लोग CCTV कैमरे हैं वो भी बहुत सारे खराब पड़े हैं, उनको सुधारने के लिए जो कैमरे खराब हैं उसके लिए रणनीति हमारी 2 पार्ट में चल रही है। एक तो जो वर्तमान कैमरे हैं उनको सुधारने के लिए हमारी टीम पैरेलली काम कर रही है। साथ ही साथ अभी हम जिला प्रशासन से सहयोग लेकर बाकी जगहों पर भी व्यापक स्तर पर कैमरे से पूरे शहर को कवर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगले 15 दिनों में आपको उसका एक रूप भी दिखाई देगा। मायके में रह रही महिला आत्मघाती कदम उठा ली। घटना की जानकारी मिलते ही घरे में कोहराम मच गया और पुलिस का बतावा गा जब तक पुलिस पहुंची तब तक फांसी के फंदा काट के परिजन महिला का इलाज के खातिर अस्पताल पहुंचाए चुके रहे, लेकिन डॉक्टर महिला का मृत घोषित कर चुका रहा। मामला विश्वविद्यालय थाना खुटेही के आए जहाँ अपने भाई बहनी के साथ रहने वाली महिला आत्मघाती कदम उठाई थी। सगले मामला का लेके विश्वविद्यालय थाना प्रभारी बताएं कि महिला के पति के मौत सितंबर महीना में हो गई रही। बताई दे कि महिला अपने भाई बहनी के साथ रहत रही ही, महिला कौने कारण से यह आत्मघाती कदम उठाई सी एक हर जांच की जात लागी। सर, ये घटना हुई क्या? पूरी घटना कंचन चतुर्वेदी जी हैं, खुटेही में अग्रवाल नर्सिंग होम के पीछे निवास है इनका। थाने में था, एक फ़ोन आया कि कोई लेडी है जिन्होंने हैंगिंग कर लिया, फांसी लगा लिया है। उस सूचना पर हम तत्काल पुलिस लेकर रवाना हुए और वहाँ जब पता लगाए तो ये हुआ, जानकारी मिली कि उनको हॉस्पिटल ले गए हैं, जब हैंगिंग से सांस चल रही थी इसलिए अस्पताल ले आए हैं। अस्पताल आ करके देखे तो डॉक्टर साहब से मिले, उन्होंने बताया कि ब्रॉड डेड ड्यू टू हैंगिंग ऐसा नोट मिला है। तो बॉडी अभी मर्चुरी में शिफ्ट की गई है, लिखा पढ़ी कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है और अभी प्रारंभिक रूप से इतनी ही जानकारी है। कौन भर्ती करके गया है, पहचान हो पाई? उनके भाई हैं, लड़की जिनकी डेथ हुई है उनके पति डॉक्टर जितेंद्र पांडे की हार्ट अटैक से 1/9 को डेथ हो गई थी, 1 सितंबर को। तो अभी वो अपने भाई और बहन के साथ ही रहती थी, उनके साथ में उनकी भाई, सगी भाई और सगी बहन थे और वही यहाँ मिले हैं। क्या नाम है मृतक का? नाम कंचन चतुर्वेदी। रिटायर कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के जिला शाखा रीवा 21 से 17 दिसंबर का पेंशनर्स दिवस मनावागा। समारोह रिटायर कर्मचारी संघ कार्यालय कोठी कंपाउंड रीवा में दोपहर 12:30 बजे शुरू हुआ। समारोह के खास मेहमान के रूप में गंगा कछार सिंचाई परियोजना के खास अभियंता CM त्रिपाठी रहे। रिटायर कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष एवं उप प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र तिवारी यह बताएं कि पेंशनर्स एसोसिएशन 21 से मिनर्वा हॉस्पिटल के सहयोग से सुबेरे 10 बजे से रिटायर कर्मचारी संघ के कार्यालय में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित कीनगा। अपना पंचे देखी कार्यक्रम की कुछ झलकियां और सुनी का मां की इसी संगठन।
नारियल में। सीएम सिंह परिहार जी सर, आर्यन शर्मा समान दीवा को ध्यान देना चाहिए और हमारे साथियों को इसे लाभ मिलना चाहिए। साथियों इन्हीं मांगों के लिए अभी तहसील शाखा में हम 7 तारीख आप लोगों ने धरना दिया और अगले जिस धरना हमारा जिले शाखा में 6 जनवरी को है, 6 जनवरी को हम प्रशासन कार्यालय के समक्ष धरना देंगे और माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन उनके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भिजवाएंगे। महोदय को धन्यवाद देते हैं, हृदय से आभार प्रकट करते हैं इन्होंने जो समय दिया हमारे पेंशनरों के बीच में और निश्चित रूप से इसके लिए हम आभारी हैं और सभी पेंशनर साथियों की ओर से भी आभार व्यक्त करते हैं। साथियों एक नारा लगाएं और उसके बाद हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय अध्यक्ष महोदय अपने उद्बोधन देंगे, इसके बाद आपका ये कार्यक्रम जारी रहेगा। कहीं कोई खबर नहीं होती, कहीं पता नहीं चलता और वेतन भत्ते बढ़ जाते हैं, लेकिन आपके लिए आपको संघर्ष ही करना पड़ेगा। कभी भी किसी सरकार ने खाली सजा के कर्मचारी पेंशनरों को दिया नहीं है, इसलिए आप संगठन को मजबूत करें, एकता को कायम रखें, बनाए रखें और जब कभी संगठन आपको कॉल करे तो संगठन का कंधे से कंधे मिलाकर साथ दें। आज खातिर इतने, बघेली मबिंद के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ, नमस्कार।